आज तो कल को किसी और के साथ ही इंसाफ चाह रहा मुझे। तीन दिन से भागा फिर दाम है। पुलिस वाले भी कभी कोई कह लेंगे जी आज वो आ रहा है, आज वो आ रहा, अन्य मेरा बच्चा जी भी सको था अगर कोई तहरी। उनके परिजन कुछ आक्रोशित थे, उनके द्वारा कुछ चीज़ें संज्ञान में लाई गई हैं। सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और जो लोग भी इस घटना के पीछे होंगे उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई लाई। कोई भी हो मुझे सख्त से कानून चाह रहा, चाहे मेरा अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें प्रयान कलियर क्षेत्र से 3 दिन से लापता बच्चे का शव जंगल में पड़ा मिला। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले में अपड़गा मुकदमा दर्ज कर चुकी है। वहीं परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई और जमकर हंगामा किया। मौके से शव उठाने के लिए भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। SP दयात और अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और परिजनों को समझाकर शांत किया। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और उनके द्वारा जांच पड़ताल कर सबूत जुटाए गए। जानकारी के अनुसार कलियर निवासी 13 वर्षीय उवेश 24 अक्टूबर को घर से बाहर कावड़ पटरी के पास बकरी चराने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद वह शाम को वापस नहीं लौटा, जिसकी तलाश में परिजन तलाश में जुटे और सूचना पुलिस को भी दी। पुलिस और परिजन बच्चे की तलाश में जुटे थे। वहीं परिजनों ने मामले की तहरीर पुलिस को दे दी थी, जिसमें कुछ रिश्तेदारों पर अपहरण का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था। वहीं आज सुबह किसी ने बताया कि बच्चे का शव गन्ने के खेत में पड़ा है। आनन फानन में पुलिस और परिजनों ने मौके पर पहुंचे और फिर लोगों की भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। SP दयात सुपर किशोर सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के पिता के अनुसार बच्चे के गले पर निशान है और उसका गला घोट कर उसकी हत्या की गई है। आने के बाद प्रमुख के कैमरे में भी आ रहा और बकरी चुगाता हुआ, रोज चुगाता था। और सर जी, मैं जब मेरा बच्चा गुमा, मैं थाने में भी गया। कब से गुमा आपका बच्चा? परसों शाम से। अच्छा, 3 बजे से मैं ढूंढता फिर रहा, पुलिस स्टेशन में भी गया था, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। क्या कोई तहरीर दी आपने? तहरीर दी थी, घर आकर फिर चले गए। अच्छा, और मैं 2-3 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर काट रहा थाने के। तो अब किस तरीके की सूचना मिली आपको? अब तो खेत वाला आया था जी सर जी, जब सुबह फोन करा जब मिला नहीं, कोई नहीं ढूंढ रहा था। तो बच्चा कहाँ है अभी? बच्चा एक मैं अंदर। अच्छा, किस हालत में मिला बच्चा? तो मरा हुआ जी, रस्सी से गला घोट रखा। अच्छा, मेरे साथ सही सलूक होना चाहिए, मुझे मुजरिम तक के जाना, कौन मेरा मुजरिम? कल को दूसरे के बच्चे हैं यहाँ, तो बच्चों की खान ही मान लो। आज मेरे साथ कल को किसी और के साथ ही इंसाफ चाह रहा मुझे। तीन दिन से भागा फिर दाम है। पुलिस वाले भी कभी कोई कह लेंगे जी आज वो आ रहा, अगर आज वो आ रहा, अन्य मेरा बच्चा जी भी सकोता अगर कोई तहरीर देते या ढूंढते आ जाए बदलाव। दो दिन पूर्व एक किशोर की गुमशुदगी हुई थी, जिस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कैमरों और अन्य तरीकों से जानकारी जुटाई जा रही थी, लेकिन आज गन्ने के खेत में, जिसमें कि काफ़ी पानी भरा हुआ है और सिंचाई हुई है, उसमें खेत में अंदर की तरफ उक्त किशोर का शव बरामद हुआ है, जिस पे उसके परिजन कुछ आक्रोशित थे। उनके द्वारा कुछ चीज़ें संज्ञान में लाई गई हैं। सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और जो लोग भी इस घटना के पीछे होंगे उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई लाई। सर, पुलिस कर्मियों आरोप हैं या जो भी चीज़ें हैं, पहलू हैं, वो सभी जाँच का विषय हैं और बिना जाँच के कोई भी चीज़ आगे बढ़ाना समीचीन नहीं है। जाँच होगी, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई।